Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. The conical pendulum. What is the conical pendulum? If a bob of a simple pendulum is displaced from its mean position and given some horizontal velocity, then bob moves in a circular path in a horizontal plane and spring of the pendulum forms a cone with vertex at point of suspension. अगर ये बॉब को थोड़ा सा जस्ट उसके मीन पोजीशन से बाजू को हटाए और थोड़ी सी ऐसी घंटी बजाए वैसा अगर धकेल दिया जाए तो वो बॉब घूमता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में इन सर्कुलर पाथ पर, एंड वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग बनाती है कोन लाइक शेप हुज वर्टेक्स इज द एट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अगर ये है हमारा बॉब, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अगर इसे हटा दिया जाए थोड़ा सा तो ये मीन पोजीशन है, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा खींच लेते हम तो ये ऐसा इस पाथ पे चले जाता, तो ये होती है उसकी पोजीशन घूमते समय। ये है मीन पोजीशन, ये है घूमते समय की पोजीशन। पर इस समय ये होता है टेंशन टी, ये डायरेक्शन होता है वी टी एम जी का। अगर ये एंगल थीटा है तो मेरा ये एंगल भी थीटा होगा, इसके कारण टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा इधर मिलता और टी का दूसरा कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल होगा वो होगा टी साइन ऑफ थीटा। अगर ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर है तो हमें कुछ बातें मिलती है। अब क्या उसे कौन सी बातें मिलती है? भाई टी कॉस थीटा तो बैलेंस करता है एमजी को, टी कॉस थीटा बैलेंसिंग वेट, तो ये होता है टी कॉस ऑफ थीटा बैलेंसिंग वेट। ओके, ये जो टी साइन थीटा कंपोनेंट है वो तो अनपेयर्ड है और वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं लिखता हूं टी साइन ऑफ थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वी है, मतलब स्पीड वी है, तो इन दोनों का क्या करते, डिवीजन लेने से टेंशन टेंशन कट गया और ये मिलता है टैन ऑफ थीटा, ये मास मास कैंसल हुआ, ये मिलता है वी स्क्वायर बाय आर जी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन ऑफ थीटा, है क्या नहीं? तो वी मिलेगा मुझे, वी क्या मिलता है मुझे, वी मिलता है मेरे पास वी आएगा रूट ऑफ आर जी टेन ऑफ थीटा। दोस्तों हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा है वी का, और वी होता है आर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी, होता है। चलो तो फिर उसकी बात करेंगे। अगर मेरा इफ वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी हैव वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो मेरा इधर आएगा फिर। चलो इसमें वैल्यू रखने के बजाय इसमें ही वैल्यू रख देंगे, क्यों स्क्वायर रूट के झंझट में हम फंसे, तो चलो स्क्वायर कर देंगे। ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन ऑफ थीटा। हो, ये टेन थीटा जरा वहां से देखो भला क्या हो सकता है, टेन थीटा तो होने वाला है आर बाय हाइट ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, होगा कि नहीं? तो फिर हम लोग लिख लेंगे यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाय हाइट, मिल जाएगी क्या? नहीं, जरूर मिलेगी। ये आर और ये आर, ये हुआ आर स्क्वायर कैंसल, वो हो गया, तो मेरा ओमेगा स्क्वायर मिलता है जी बाय एच। ओके चलो, तो मुझे आ गया, मेरे पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू जी बाय एच, एंगुलर वेलोसिटी जी बाय एच मिलती है।
हाइट h होने के बाद एंगुलर वेलोसिटी होगी रूट ऑफ g बाई h। पर क्या दोस्तों, दोस्तों आप लोगों को ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पीरियड के फॉर्म में पता है क्या? कुछ एंगुलर वेलोसिटी जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती बताएंगे आप लोग? मैं बताता हूँ, आप लोगों को पता है तो वो है एंगल थीटा बाय टाइम, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, अब बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है और मेरा टाइम होता है, मेरा टाइम अगर कैपिटल टी है तो, मेरा टाइम अगर कैपिटल टी है तो तुम्हारा एंगल कितना होगा बताओ ना? सर्कुलर मोशन में मैंने अलाउ किया कैपिटल टी, तुम्हारा एंगल कितना आएगा जरा बताएंगे तो सही? अरे बताएंगे तो सही, जरा टाइम तो बताएंगे। हाउ मच एंगल विल बी देयर इन टाइम कैपिटल टी, पूरा पीरियड। ये है सर्कुलर पाथ दोस्तों, यहां पार्टिकल था एक पीरियड, मतलब यहां से यहां आया, पीरियड मतलब कैपिटल टी हुआ, तो फिर एंगल कितना पाया? बोलो बोलो, ये पाया है 360 डिग्री, मतलब 2 पाए। अगर मैं बोलता हूं कि ये टी है तो तुम बोलते हैं हमारा 2 पाए है। दोस्तों ये तो तुम्हारा फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाए बाय कैपिटल टी वाला। अच्छा, अगर कोई बोलता है इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो हाई स्कूल में आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद किया है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। अरे पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। बोलो बोलो, पता है क्या आप लोगों को? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं यन से। अगर मैंने टाइम दिया, आप लोगों को अलाउ किया पीरियड इतना, तो कितने रिवोल्यूशंस मारेगा रे वो? अरे बताओ तो सही, बहुत आसान सवाल है, मैं हार्ड सवाल तो पूछता ही नहीं क्योंकि हार्ड मुझे आता ही नहीं कुछ। अगर मैंने एक पीरियड कंप्लीट करने को अलाउ किया, मतलब समय दिया आप लोगों को एक पीरियड, तो कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट होगी? अरे वन तो होगा, ये तो होगा है वन, मतलब आया मेरा फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। ये नंबर को यूनिट होता नहीं, इसका यूनिट सेकंड होता, इसलिए हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड। इसका मतलब होता है सेकंड इनवर्स, पर ये सेकंड इनवर्स लिखने के बजाय हम और तुम साथ में लिखते हैं हर्ट्ज, एच झेड। हे इज इट सो? हर्ट्ज इट इज इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। क्या आप लोगों के दिमाग में अभी आप लोगों के सामने क्लियर हुआ क्या ओमेगा मतलब 2 पाई बाय कैपिटल टी? ओमेगा मतलब क्या होगा? 2 पाई एन। अरे होगा क्या? नहीं होगा तो क्या लेंगे आप लोग? इज इट? यस। तो फिर चले आइए उधर, वो उधर चले आओ मेरे पास ये ओमेगा का फॉर्मूला है। तो ये ओमेगा मेरा 2 पाई बाय कैपिटल टी होगा कि नहीं? नहीं होगा तो क्या होगा? होगा तो कैसे हुआ? समझ में आ गया? 2 पाई बाय कैपिटल टी इज रूट ऑफ जी बाई एच। दोस्तों मैं अगर इसको शीर्षासन करने लगा हूं, तुम्हें करने आता क्या शीर्षासन? नीचे मुंडी ऊपर पांव, अरे आता क्या? कितने लोगों का आता बताओ, कितने लोगों का आता बताओ? सच में ये 2 पाए भाई ने तो किया भाई शीर्षासन, तुम्हारे को करने आता है क्या? नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो, आंखें बहुत अच्छी रहती है, करने आता है क्या? नहीं अरे सीखो, यही उम्र है सीखने की, बस गाना है यही उम्र है सब करने की, लेकिन यही उम्र है सच्चा सीखने की, समझे क्या? तो कुछ भी मत करो, ये काम करो, समझे क्या? गलत आना ही चाहिए शीर्षासन आना चाहिए।
सर के ऊपर पैर नीचे, पैर ऊपर सर नीचे आना चाहिए। चलो दोस्तों, मुझे चाहिए पीरियड का फॉर्मूला। पीरियड ऑफ दिस कॉनिकल पेंडुलम इज 2π√hg। आया फॉर्मूला आया, व्हाट इज मीन बाय एच? एच इज हाइट। किसकी? मेरी, तुम्हारी, किसकी? ये हाइट है कॉनिकल पेंडुलम की। ये कॉनिकल पेंडुलम की हाइट क्या होती है बाबा? अरे यार, ये तो बताया ना मैंने, कॉनिकल पेंडुलम की हाइट मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से वो सर्कुलर मोशन के लेवल तक का डिस्टेंस, वो होता है हाइट। ओके दोस्तों, मेरी ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो एल है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो एल है, ये एंगल थीटा, मतलब ये भी एंगल थीटा। अगर हाइपोटेन्यूस एल है, थीटा एंगल है, तो मेरी हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा एल की भाषा में, बताएंगे आप लोग यल की भाषा में आपका फॉर्मूला क्या आएगा? आएगा क्या? अरे ध्यान में आता है क्या? देखो, कॉस थीटा टर्म आएगी, कॉस थीटा टर्म होती है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये होता है एच इज इक्वल टू यल कॉस थीटा। एंड दोस्तों, मेरा प्यारा फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला मैं इस भाषा में भी ध्यान में रखूंगा। कौन से भाषा मेरे बाबा, कौन से भाषा में रखूंगा? ये भाषा में रखूंगा, कैपिटल टी is equal to 2π√L cos θ divided by g। आप लोग रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे क्या? मैं ही अकेला रखू? दोस्तों पीरियड का फॉर्मूला आ गया, लेकिन दोस्त दिस इज पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। व्हाट इज इट? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज प्यारे दोस्तों, दिस इज पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये देखेंगे, इधर देखेंगे, कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम का पीरियड है दोस्तों। इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यू हैव डिस्कस्ड लिटिल बिट, हैवंट यू, इन अ स्केलर एंड वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी। देखो ये कार है 20 मीटर्स पर सेकंड जाने वाली है ना, देखो ये है कार गोइंग विथ 20 मीटर्स पर सेकंड। दूसरा बॉल फेंका है कितने से, वी बॉल, ये है इधर जा रहा है ना, वो कितने से, 10 मीटर्स पर सेकंड से। अच्छा, एक मैन स्टेडी है, मैन वन एट रेस्ट, ओके। दूसरा मैन टू है, वो जा रहा है इधर 5 मीटर्स पर सेकंड से। अच्छा, और मैन थ्री जो है ना, मैन थ्री ये ट्रॉली पे बैठा है, ये ट्रॉली पर है मैन, ये ट्रॉली बिचारी इधर जा रही है 10 मीटर्स पर सेकंड से, और उसपे जो मैन है वो मैन जा रहा है इधर 5 मीटर्स पर सेकंड से लेफ्ट साइड। ओए, तो क्या पूछा गया, वी बॉल रिलेटिव टू ए, ए कौन है? अच्छा, इन लोगों को ए नाम दिया है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, अरंड दे, यस इट इज। तो तीनों के तीनों लोगों के कंपेरेटिव ये पूछा गया है, वी बॉल रिलेटिव टू बी, वी बॉल रिलेटिव टू सी। आप लोगों ने शायद आंसर्स दिए होंगे, पर अब देना है मेरे पास आंसर्स। हाँ, रिलेटिव टू कार है, दैट इज
वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू कार 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन वन, मतलब ए बॉल कार के हिसाब से इधर जा रहा है। तुमको पहला तो मैं बता रहा हूं दोस्तों कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। असल में ये वेक्टर फॉर्म में होता है, पर अगर एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन में हो, लीनियर लाइन हो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो ये वेक्टर बताने की जरूरी नहीं होती। समझे क्या? आप क्या फायदा 30 देने से, सोमनाथ ठेकता लेट ये तो बदमाश आने आता मन तो 30। चलो दोस्तों, तो ये बोलता है वी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार, मतलब वी ऑफ बॉल माइनस वी ऑफ कार। आगे ना हुई हुई, तो ये कार वाले को वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड आगे जा रहा है ऐसा लगता है, समझे क्या? तो ये बी बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार तो 10 है, बी बॉल इधर बताया है मेरा कितना 10, ये बी कार। अरे वी बॉल तो मालूम नहीं ना भाई, वी बॉल असल में थोड़ी मालूम है, वी कार है 20, ये 20 को ले लो इधर, ये है 30 मीटर्स पर सेकंड, ये है वी बॉल असल में ये है 30। यार दोस्तों दोस्तों दोस्तों, ये जो है ना आदमी ए मैन ए, उसे लगेगा ये 30 के स्पीड से आ रहा है। चलो आप बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू मैन नंबर टू। साला मित्रांनो, मला तोच प्रश्न विचारला पाहिजे, वी बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बी, म्हणजे वी बॉल विथ रेस्पेक्ट टू मैन नंबर टू, तो ये है वी बॉल माइनस वी मैन नंबर टू। वी बॉल कितनी है राइट साइड में जाने वाली, तो है वो पॉजिटिव 30। मैन की स्पीड लेफ्ट साइड है, अरे हे, तो उसकी स्पीड माइनस ले लेंगे। अरे इधर के साइड को अगर तुम पॉजिटिव माना तो उधर के साइड से आने वाले को निगेटिव मानना पड़ेगा, और इसके कारण दोस्तों ऐसा होता है कि ये मीटर पर सेकंड होगा। समझ गए क्या तनिष्क बॉस? बहुत लेट आ गया लेकिन शुभम, अरे बहुत लेट हो गया ना लेकिन। चलो ये आप दोस्तों दोस्तों दोस्तों, वो तीसरे नंबर को कितना लगेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी उसके नजरिए से कितनी, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ नजरिया 3। तीसरे के नजरिए से बताओ भाई जल्दी। अब ये इस ट्रॉली में बैठा है, ट्रैक्टर की ओपन ट्रॉली है, ट्रॉली जा रही है इधर 10 मीटर पर सेकंड से वो, लेकिन वो बंदा जो है ना वो घूम रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड से। तो असल में तुम लोग अगर ग्राउंड पे बैठे हैं तो ये आदमी ये लेफ्ट साइड जाता हुआ नजर आएगा या राइट साइड जाता हुआ नजर आएगा, इतना बताओ प्यारे दोस्तों। हेलो, ये तो राइट साइड जाता हुआ नजर आएगा, फॉर्मूले में डाल के देख लो। चलो चलो, वेलोसिटी ऑफ मैन नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू 5, वो भी -5 इधर, है ना है ना है ना। हाँ, ये जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है, ये तो -5 है कि ना। हाँ, ये ट्रॉली उधर जा रही है कितने के स्पीड से, ये स्पीड है उसकी राइट साइड बी तीसरा मैन -10। ओए होए, ये -10 इधर गया तो हो जाएगा प्लस, वो -5 आज इट इज, और ये है बंदा 5 मीटर से, साइन पॉजिटिव आई मतलब किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, वो जा रहा है तुम्हारे राइट साइड में।
अब अगर आदमी दिखता है लेफ्ट साइड जाना, लेकिन वो जा रहा है इधर, असल में ग्राउंड के हिसाब से यहां से अगर कोई ऐसा देख रहा है उसको, तो वो जा रहा है तुम्हारे राइट साइड। अब देखो इस बॉल की स्पीड उसको कितनी नजर आएगी, तो देखो फिर वो फॉर्मूला, फिर वही वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ए वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू मैन नंबर थ्री, वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ मैन नंबर थ्री, मतलब सी है ना, एबीसी है ना, ये तो पूछा है। वेलोसिटी ऑफ बॉल 30 है और ये राइट साइड में है, इसलिए 5, एंड दिस इज व्हाट 25 मीटर्स पर सेकंड। अब दोस्तों रिवर प्रॉब्लम थोड़ा सा ले लो, क्या रिवर प्रॉब्लम बताओ क्या। ये मेरी एक नदी है, बहुत नदी के नदी में बहुत पानी है। अब देखा है कि तुम लोगों ने पानी, ये नदी, ये पानी, ये फ्लोइंग, इसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। ओ अब भले गया, इसकी बैंक मैंने बता दी, लेकिन बैंक यूजुअली बिल्कुल बिल्कुल कैसे निकालना, ऐसे सीधे मान लेंगे हम, ये है बैंक, रेड मार्किंग है कि इसके पैर और मत जाओ, नहीं तो डेंजर है। दोस्तों एक जो स्टूडेंट है ना अपने क्लास में, वो बहुत फास्ट तीरता है, कौन सी भी नदी में तीरने की हिम्मत रखता है, तीरना नहीं लेकिन हिम्मत रखता है। तो दोस्तों वो अगर ये पानी बहता नहीं है, अगर स्टिल वाटर है, कौन सा वाटर है बोलते उसे, कौन सा वाटर बोलते रहे उसे, उसे बोलते हैं स्टिल वाटर। स्टिल मतलब STEAL नहीं, स्टिल वाटर है, शांत वाटर है, खामोश है। ये खामोश वाटर में वो जो स्विमर है वो ही मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मैन कैन स्विम इन अ स्टिल वाटर विथ वेलोसिटी VM। अच्छा अब क्या क्या उसने, ये आदमी, ये लड़का है यहां पर, और इसको मिलने को जाना है इसको, इस लड़के को या इस लड़की को या मम्मी को डैडी को रिलेटिव को, ऐसा सीधा जाना है, या उधर मंदिर है और मंदिर में उसको दर्शन करने के लिए जाना है, ऐसा सीधा। वो बेचारा निकल गया, फिजिक्स पढ़ा नहीं था वो निकल गया, तो क्या वो मंदिर पहुंच जाएगा, पहुंचेगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कहाँ जाएगा वो जाएगा इधर, इधर जाएगा। इसे बोलते ड्रिफ्ट, इसे बोलते शिफ्ट, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते शिफ्ट। दोस्तों अगर ये है तुम्हारी वेस्ट, ये है ईस्ट, हाँ तो बोलने की जरूरत ही नहीं है साउथ होगी बोल के, हाँ ये साउथ ये नॉर्थ। अब अगर इसे बिल्कुल डायरेक्ट मंदिर में जाना है, तो इस तीरने वाले को किधर मुंह करके तीरना होगा, प्यारे दोस्तों बताओ, वेस्ट को मुंह करके, 100% तो नहीं वेस्ट, लेकिन वेस्ट नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में मुंह करके, वेस्ट में तो इधर चल जाएगा ना दोस्त, है ना, नॉर्थ वेस्ट में। अगर वो चले गया ऐसा इधर, मतलब हमेशा स्ट्रोक इसका ऐसा इधर 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 वाला स्ट्रोक, ऐसा सीधा नहीं, उसका स्ट्रोक ऐसा टेढ़ा, मान लो ये एंगल थीटा है और इसकी वेलोसिटी भी स्विमर या भी मैन है, VR रिवर की वेलोसिटी है। तो दोस्तों अगर ये ऐसे डायरेक्शन में ऐसे स्पीड से वो सीधा मंदिर पहुंच जाता है, तो मान लो कि इसका ये कंपोनेंट, इस VR के बराबर होगा, ये कंपोनेंट VR के बराबर होगा, क्योंकि असल में ये इतना इधर जा रहा है और ये जो रिवर है ना,
ये पानी है ना उसको इधर खींच रही है, इसलिए यहां पर शिफ्ट होता है जीरो। पर ये कौन सा कंपोनेंट आएगा? ये तो आएगा साइन कंपोनेंट, एंड देयर फोर वी मैन का साइन कंपोनेंट ये बनेगा हमारा बनिया। यस इट इज रिवर्ट। वी एम साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, फिर वी एम कॉस थीटा गिविंग यू और टेकिंग यू टू द टेम्पल डायरेक्टली। यस इट इज। प्यारे दोस्तों फिर तो जाएंगे टेम्पल तो बनाएंगे मस्त है कि। यस इट इज। देयर फोर वी मैन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू योर डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ गए क्या? अगर ये विड्थ है तुम्हारी नदी की तो टाइम रिक्वायर्ड टू गो टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू दिस। समझ गए? समझे? तो मिनिमम टाइम होने के लिए, कम से कम टाइम होने के, कमीत कमी वेळ तुम्हाला जायचंय ना, तुमची स्पीड वाढू शकत ना, डिस्टन्स कमी होत, कमी काय करता येईल? ओए प्यारे दोस्तों, ओए प्यारे दोस्तों, कम से कम चाहिए फॉर मिनिमम टाइम। बोलो इसमें किसको तुम लोग चेंज कर सकते? कॉस थीटा को कम कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हो सकता। टू बी दिस मिनिमम कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम, एंड कॉस थीटा मैक्सिमम अगर चाहिए तो थीटा की कीमत कितनी होनी चाहिए? बोलो। थीटा की कीमत होनी चाहिए, तुम लोग बहुत लेट बताएंगे तो ये मैं लिख देता, 0 डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब है उन्हें सीधा जा गया, वो अगर सीधा गया तो वो भले इधर जाएगा, शिफ्ट होगा जरूर, पर ये कम से कम समय में चले जाएगा, क्योंकि वो नदी के पानी की स्पीड का भी यूज करता है। और यही तो क्या था हमारे साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान के मुहिम में, हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल स्पीड का, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज किए थे उस सैटेलाइट को स्पीड ज्यादा देने के लिए, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा भेज दिया था वो, समझे गए? हाँ। तो ये दोस्तों, प्यारे दोस्तों, कॉस थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम हुआ, क्या ये बात पक्की है? कोई चिंता है, ध्यान रखेंगे। फॉर मिनिमम टाइम थीटा विल बी जीरो। अब फॉर मिनिमम डिस्टेंस मतलब शिफ्ट जीरो, मतलब शिफ्ट जीरो चाहिए। अब शिफ्ट जीरो चाहिए तो वो मिल जाएगा, वो केस में कौन सा? वी एम साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर। अरे मैंने तो ऊपर लेकर गया था वो, ये वी एम साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर। शिफ्ट जीरो मतलब कम से कम डिस्टेंस के लिए, ये डिस्टेंस कम से कम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शिफ्ट जीरो, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है लेकिन कम से कम टाइम है। क्या ये आप लोगों को समझ में आया? इसमें कुछ गड़बड़ नहीं? ओके इज इट ओके? तो मैं ये रिवर के इसमें क्या बता सकता अभी? कुछ नहीं, ये तो शिफ्ट जीरो होने के लिए ये कंपोनेंट इस रिवर के बराबर होना चाहिए, मिनिमम टाइम के लिए ये होना चाहिए, और फिर मैक्सिमम टाइम के लिए वो तो ये लेना पड़ेगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम टाइम। समझ गए? डन डन डन। मैं चलो आगे, चलो ओके। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम का कुछ बताना है क्या? बताओ क्या रेन अम्ब्रेला का? बताओ। ये देखो ये देखो ये देखो देखो,
ये यहां से बादल है, कहां है बादल? यहां ऐसे बादल है क्या? नहीं, यहां बादल से पानी गिरता है, हवा कहीं नहीं है, तो बादल से निकले हुए ड्रॉप बिल्कुल ऐसे सीधे आएंगे और हमारे सर के ऊपर गिर जाएंगे, है क्या? नहीं है क्या? नहीं, ये ऐसे सर, ये ऐसे बाल, ये ऐसा कुछ तो भी है ऐसा। हुई हुई, ये तो नहीं चाहिए मुझे, मुझे गीला होना नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू बी वेट। तो फिर क्या करे? फिर कुछ नहीं, छाता पकड़ो। ओके, पकड़ लिया छाता, छाता पकड़ लिया, तो ये फिर ऐसा ऐसा रहता कि छाता ये पकड़ लिया, अच्छा तो ड्रॉप ब्लॉक हो गए, है ना? अब क्या हुआ, ये जो लड़की है, ये लड़की इधर ऐसे जा रही है कुछ स्पीड से, वेलोसिटी वी से, वेलोसिटी ऑफ गर्ल इधर जा रही है, पर वेलोसिटी ऑफ गर्ल जैसे ही नॉन जीरो बनती, मतलब जैसे ये लड़की इधर निकल, इधर, तो ये जो बूंद है, यहाँ ये लड़की यहां से यहां आने तक, यहां का जो ड्रॉप है वो अगर यहां आ गया तो, अरे अरे सुनो 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 सुनो, ये लड़की यहां से यहां आने तक, यहां का ड्रॉप अगर यहां आ गया तो फिर ये लड़की के छाता के नीचे घुस जाएगा कि नहीं? ये घुसता है तो फिर ये लड़की यहां आने के बाद इसके सर पे गिरती। वो बोलते, अरे यार छाता तो मेरा सीधा, मेरा छाता तो अच्छा है, फिर भी ड्रॉप मेरे सर पे कैसे है? होता है कि नहीं ऐसा? इसके कारण उस लड़की छाता ऐसा टेढ़ा पकड़ती, समझ गए? किधर पकड़ती छाता? सामने, सामने मतलब जिधर वो चलती है उधर। तो जैसी ही ये लड़की ऐसा इधर जाने लगती तो इस लड़की को बारिश ऐसी नजर आती, ये नजर आती है, ये है नहीं। खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं, वैसा ही यहाँ दिखता है नहीं? है तो क्या है तो ऐसा है, ये तो है, ये तो है, ये दिखता है। कौन दिखता है? ये दिखता है कौन सा? वर्टिकली डाउनवर्ड दिखता है इधर। तो इसमें प्रॉब्लम हो सकते, प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि नहीं? कैसे बनाया जा सकता है प्रॉब्लम? कि भाई ये लड़की 10 के स्पीड से जा रही है तो उसको छाता पकड़ना पड़ता है 30 डिग्रीज विथ वर्टिकल, तो शा वो रेन ड्रॉप का वेलोसिटी कितना? कैसा 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 हो सकता है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कैसा हो सकता है? तुम्हें हमें प्रॉब्लम जैसा होता है वैसा बनाएंगे ना भाई? ए गर्ल इज मूविंग ईस्ट विथ अ स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड इन ए रेनी सीजन। ओके, इफ देर इज नो विंड इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ विंड शी हैड टू होल्ड हर अम्ब्रेला थर्टी डिग्रीज ईस्ट, 30 डिग्रीज विथ वर्टिकल, विथ वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप? What is velocity of rain? बस
हे, प्रॉब्लम तो बन गया ना, फिर बन गया है प्रॉब्लम। क्या आप लोग सोल्यूशन देंगे मुझे? दोस्तों, बारिश में हवा नहीं है का मतलब ये बारिश है, वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये लड़की है, लड़की है, लड़की है, लड़की जा रही है ऐसे इधर। बी ऑफ लड़की इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड। तो उसे वर्टिकल के साथ 30 का एंगल बना के छाता पकड़ना पड़ा। ये वर्टिकल है तो ये ऐसा करके उसको छाता पकड़ना पड़ा, ऐसा पकड़ के, तब जाके कहा वो गीली नहीं होगी। ऐसा छाता पकड़ना पड़ा दोस्तों, दोस्तों इधर उसको समझे क्या? समझे? ऐसा वर्टिकल के साथ ये है उसका एंगल 30। तो क्या मेरा ये एंगल 30 है? तो ऐसा इधर 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 ये एंगल बन जाएगा कि नहीं? 30 बनेगा। ब्लर हुआ था अगर थोड़े समय के लिए, नेट मेरा थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ था, अभी 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 जस्ट फ्लक्चुएट हुआ था। हाँ, यस। क्या ये डायग्राम में से समझ में आएगा कुछ आपको? गर्ल इधर जा रही, बारिश नीचे आ रही थी, पर ये दिख रहा है इधर से आ रही है, ये दिख रहा है, ये रिलेटिव है, मतलब नातेवाइक है ये, है क्या? ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल है। ये जो है असल में तो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, लड़की चल रही है इधर। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? तुम बोलेंगे, वो लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, है क्या? नहीं समझ गए? समझे क्या? नहीं समझे बोलो। वो इक्वेशन समझ गए क्या? अरे मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, ये मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, वो तो एज यूजुअल है। अब ये वेलोसिटी ऑफ जो गर्ल है उसकी साइन माइनस करना है, मतलब मुझे इस वेक्टर से इस वेक्टर को माइनस करना है, तो कर लो। इस वेक्टर से इस वेक्टर को माइनस करना है, तो कौन रोका? रोका कौन रे बदमाश? सबने तो बोला है करो, तो चलो फिर ये देखो दोस्तों, मेरा ये वी आर है वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या मैं सफेद ले लू? यस इट इज। वी जी है राइट, तो कर लो उसका निगेटिव। तो ये हुआ वन, गर्ल की स्पीड निगेटिव डायरेक्शन में, ऐसा इधर। और हमें पता है पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक अगर कुछ वेक्टर निकलता है तो उसे बोलते हैं रिजल्टेंट। फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकेंड इट इज रिलेटिव। ये सही है, रिजल्टेंट है, वो भी रिलेटिव ही तो है। और ये एंगल अगर मेरा 30 है तो इन दोनों, ये दोनों में तीनों, ये दो और ये तीन, ये तीन के बीच में रिलेशन क्या है बताना तो पड़ेगा। तीन कौन से फॉर्मूले में आप डालेंगे? 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ गर्ल, कौन से फॉर्मूले में डालेंगे बताओ? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों? दोस्तों कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो मैं बताता हूं, ये तुम्हारे पास टैन ऑफ थीटा का फॉर्मूला है। टेन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड, मतलब वी गर्ल, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब वी आर। अरे वी आर तो पता नहीं है, वी गर्ल बाय टेन ऑफ थीटा। ये थीटा अगर मुझे मालूम है ये 5 है, तो ये टेन ऑफ 30 इक्वल
कितना होता, कितना बनता, देखो ये बनता है 5√3। बारिश गिरती है 5√3 मीटर्स पर सेकंड से। अरे है क्या नहीं आजकल बारिश वैसी, इतनी बारिश 20 साल से, 20 साल के पहले होती थी, 20 नहीं 25-30 साल के पहले, 25-30 साल से इतनी बारिश यहाँ नहीं है। 90 के पहले इतनी बारिश हो रही होती थी, 90 के पहले, 1990 से पहले। तुम लोग तो नहीं थे उस समय। चलो वी आर इज इक्वल टू दिस, हैव यू अंडरस्टूड इट? ये मीटर्स पर सेकंड, हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करेंगे, मिलेंगे हम प्रॉब्लम फॉर सर्कुलर मोशन के लिए कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।